गोवा की 40 सीटों पर तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। कांग्रेस को सबसे अधिक 17 सीट मिली है, बीजेपी को 13 है, एमजीपी को 3, अन्य दल को 7 और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जो चौंकाने की बात बीजेपी के लिए है। कांग्रेस के राज्य प्रमुख लुइजिनहो फालेरो की लीडरशिप में कांग्रेस को आश्चर्यजनक सफलता मिली है। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारस्कर ने आज अपना इस्तीफा गवर्नर मृदुला सिन्हा को सौंपा। पारस्कर खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी माडरेम से 7000 मतों से हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की हार का प्रमुख कारण खुद भारतीय जनता पार्टी ही है। पिछले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को 2014 में बीजेपी ने केंद्र सरकार में बुलवा के रक्षा मंत्रालय सौंप दिया। उसी के बाद से गोवा की तस्वीर बीजेपी के लिए बदल गई। पारस्कर की कम लोकप्रियता और आरएसएस का गोवा को नजरअंदाज कर देने को भी इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए बीजेपी ने सारा ध्यान उत्तर प्रदेश में ही दिया। शायद यही कारण है कि बीजेपी को गोवा जैसे विजयगढ़ में भी हार का मुंह देखना पड़ा है।